नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 10 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 और 10 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर के PDF चाहिए तो दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको ओनली 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे MCQ फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसकी बात करें हम तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन की प्रेरक कहानी पर आधारित पुस्तक ताई का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों अभी? तो ये हमारे देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नितिन गडकरी। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है और अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री है, ठीक है। बात करें दोस्तों सुमित्रा महाजन जी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और ये इंदौर से लगातार 8 बार सांसद भी रह चुकी है। सुमित्रा महाजन जी हमारे देश के लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है, पहली कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी, ठीक है। सुमित्रा महाजन लोकसभा की कौन सी अध्यक्ष रह चुकी है? 16वीं अध्यक्ष रह चुकी है, ठीक है। अभी कौन है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक दाई के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है मेघा किरीट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघा किरीट पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक ताई की लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 8 मई 2022 को यानी आज रविवार को लाडली लक्ष्मी उत्सव में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा दोस्तों? तो इनके द्वारा किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, भोपाल। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लाडली लक्ष्मी योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2007 से की गई थी। दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 2007 में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत बालिका को 1,18,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें दोस्तों जो पहली किस्त में जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो उस टाइम 2,000 रुपए दिए जाते हैं, जब बालिका कक्षा 9वीं में प्रवेश करती है तो 4,000 रुपए दिए जाते हैं और जब बालिका 11वीं कक्षा में प्रवेश करती है दोस्तों तो 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और जब बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर जितनी भी राशि बची हुई होती है 1,00,000 रुपए की, वो एक मुश्त में प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 12वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस जिले के यंग फिल्म मेकर्स की फिल्म वर्ल्ड जॉम्बीड को शॉर्ट मूवी कैटेगरी में चुना गया है दोस्तों? ये मूवी किस डिस्ट्रिक्ट के यंग फिल्म मेकर्स की है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 की, तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुष्पा मूवी को चुना गया है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह हैं और इनको किस मूवी के लिए दिया गया है दोस्तों? 83 के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की आर्टिस्ट नवाब जहां बेगम की सोने से बनी पेंटिंग को लंदन का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल की है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, भोपाल जिले की आर्टिस्ट नवाब जहां बेगम की सोने से बनी पेंटिंग को लंदन का हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन फील्ड योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल हो सकता है दोस्तों? तो ये ग्वालियर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के तहत देश के 8 शहरों को ग्रीन फील्ड योजना में शामिल किया जाना है और इस योजना में शामिल शहरों को केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और इस योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास कौन सा विभाग है दोस्तों? नागरिक एवं उड्डयन विभाग है और ये हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है। तो इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और केंद्र सरकार की इस योजना में पुराने शहर के पास नए शहर को बसाया जाना है और इस योजना में शहर के विकास की थीम औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है,
जिससे शहर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और शहरों में शामिल होने के बाद 1,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त मार्च 2023 तक दी जाएगी। अगर ग्वालियर ग्रीनफील्ड योजना में शामिल हो जाता है तो यहाँ पर विकास काफी तेजी से हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 9 से 12 मई 2022 तक मध्य प्रदेश पवेलियन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये दुबई में किया जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, दुबई। तो देखिए दोस्तों, दुबई में अरेबियन ट्रेवल मार्केट यानी ATM में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज और भारत के महावाणिज्य दूत डॉक्टर अमन पुरी ने मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया। अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय सुश्री रुपिंदर बराड़ और प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति और प्रबंध निदेशक पर्यटन बोर्ड के श्री शिवशेखर शुक्ला भी उपस्थित रहे। और प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि दुबई में 9 से 12 मई 2022 तक ATM यानी अरेबियन ट्रेवल मार्केट में मध्य प्रदेश पवेलियन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य की गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध वन्य जीवों, विश्व प्रसिद्ध स्मारकों, प्राकृतिक सुंदरता, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर और अन्य प्रमुख उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2022 का उद्घाटन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म थीम पर किया गया है, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ट्रेवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन है और इसमें 119 से अधिक देश और करीब 1500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के श्री सागर शर्मा को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में प्रशस्ति पत्र मिला है? तो ये दोस्तों हरदा की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हरदा जिले के श्री सागर शर्मा को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में प्रशस्ति पत्र मिला है। और दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये एक राजू कुमार है और एक अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप गतिविधियों में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में मेरा वोट मेरा भविष्य ताकत एक वोट की थीम पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हरदा के सहायक प्रोग्रामर श्री सागर शर्मा को उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र एवं टी शर्ट दी गई है। और श्री सागर ने बताया है कि वे भविष्य में भी आयोग के मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर मतदाताओं को उनके एक वोट के महत्व के लिए जागरूकता करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में जबलपुर जिले के परसवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। रवि विजय कुमार मलिमथ हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने परसवाड़ा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही आयुष स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। और इस अवसर पर उन्होंने आयुष मेले और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर के छात्रों द्वारा किए गए योगाभ्यास प्रदर्शन की तारीफ भी की। इसी के साथ दोस्तों यह भी कहा कि सिकल सेल के मरीजों की पहचान कर उनके समुचित इलाज के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 21 विश्वविद्यालयों को 55 गांव देकर वहां के परिवारों की स्वास्थ्य जांच करने का कार्य सौंपा गया है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया है कि इन आयुष स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से जनजाति बहुल क्षेत्रों के वन औषधियों की मार्केटिंग कर रोजगार दिलाया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सिकल सेल से पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार पेंशन की सुविधा दे रही है। और हमारे मध्य प्रदेश में जन सामान्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 4 करोड़ लोगों को इकट्ठू चूर्ण वितरित किया गया है। प्रदेश में 362 वेलनेस सेंटर बनाकर तैयार किए गए हैं और इनमें 1500 लोगों को प्रशिक्षक बनाकर रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के आयुष ग्राम में प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जा रहा है। रानी दुर्गावती गोंड शासक थी जिन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। और रानी दुर्गावती ने आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसी जिले की कोयना दीक्षित एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। हमारे भोपाल की कोयना दीक्षित एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों भोपाल शहर की प्रतिभावान प्लेयर कोयना दीक्षित भारतीय शूटिंग बॉल टीम में चयनित हुई है। और चयनित टीम दिल्ली में 1 से 2 जून को आयोजित एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। और टीम में कौन कौन होगा दोस्तों? तो दीप पुजारी, कप्तान पल्लवी राउत और प्रगति मागडे, ये तीन महाराष्ट्र से है दोस्तों। और पूजा उपकप्तान,
काजल हिमांशी तीनों हरियाणा से है, मोनिका दिल्ली से है, तनु उत्तर प्रदेश से है और कोयना दीक्षित हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों सुखप्रीत कौर पंजाब से है और मुस्कान राजस्थान से है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन बैरी है। और दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों अभी, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो राजीव कुमार थे। और अमिताभ कांत अभी नीति आयोग के CEO है। तो देखिए दोस्तों बात करें हम नीति आयोग की, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होता है। नीति आयोग का गठन कभी हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के CEO अभी अमिताभ कांत है दोस्तों। और नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे, सिंधुश्री खुल्लर थे। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बैरी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग का नया नाम ही नीति आयोग है दोस्तों। और नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी MPPSC 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994 या 1 मई 1994। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।